हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मेडिसिन। स्वागत है दोस्तों फार्मा मेडिसिन पर। दवाइयों की सामान्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। फार्मा मेडिसिन पर आज हम बात करने वाले हैं नेप्रोक्सोन टेबलेट के बारे में। नेप्रोक्सोन टेबलेट के बारे में हम आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है तथा किस व्यक्ति को देना है और किस व्यक्ति को नहीं देना है, इसके बारे में हम आज को पूरी जानकारी देंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। यह नॉन अपोइड एनाल्जेसिक टेबलेट है नेप्रोक्सोन, जो कि एक पीड़ाहारी मतलब दर्द और बुखार में यूज़ की जाने वाली दवाई है। यह ओपियम मतलब जो रहता है अफीम, उसके बिना बनी हुई मेडिसिन है। यह क्या है, प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देती है हमारी बॉडी में, जिससे कि रक्त दर्द का अभाव नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हम कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ हम कर सकते हैं हड्डियों के दर्द में कर सकते हैं, चोट लगने पर वहाँ इसका यूज़ हम कर सकते हैं, या पीरियड्स के समय जिन महिलाओं का दर्द होता है पेट, वहाँ पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं। इसका आर्थराइटिस में कर सकते हैं, आर्थराइटिस में इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, तथा गठिया बाई में तथा दांत दर्द में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब इसकी सावधानी क्या है, सावधानी की बात कर लेते हैं हम। इसे लीवर की प्रॉब्लम वाले पेशेंट को नहीं देना है, हृदय संबंधित जिनको भी कोई बीमारी हो वहाँ इस टेबलेट को नहीं लिया जाता है, और जिस व्यक्ति को स्टमक में अल्सर हो वहाँ पर भी इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके डोज के बारे में। इसकी डोज है 250 mg, दिन में 3 से 4 बार बड़े व्यक्ति को दी जाने चाहिए, तथा 2 वर्ष से छोटे बच्चों में इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। तो अभी तक इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, छाती में जलन महसूस होना, बर्निंग जैसा महसूस होना, कानों में घंटी जैसा बजना या सांस फूलना, हाथों में खुजली जैसा होना, या पेप्टिक अल्सर, पेट में अल्सर होना, ये इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। बात कर लेते हैं ये मार्केट में और किन किन नामों से अवेलेबल रहती है। एंटेस्वेल नाम से ये मार्केट में अवेलेबल रहती है, अर्टागेन नाम से आती है रेनबैक्स कंपनी की, मोवीबोन नाम से आती है, नेप्रोसिन नाम से RPG की आती है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, नेप्रिन आती है तथा जेनोबिड भी आती है। हम बात कर लेते हैं इसे गर्भावस्था में नहीं देना है इस टेबलेट को, तथा बाल्यावस्था में 2 वर्ष से छोटे बच्चों में इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना है, और वृद्धावस्था में इसे अधिक समय तक नहीं देना है और घटी हुई मात्रा में आपको देना है, और आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को लेना है। यह वीडियो सिर्फ नॉर्मल जानकारी के लिए है, एजुकेशनल वीडियो बनाया गया है, ना कि आप इस वीडियो को देखकर कोई दवाई लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।